वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या किस कितने प्रकार के वहाँ पर होते हैं। तो इससे पहली वाली जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है और उसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे, जैसे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है और उसमें एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो हमने इससे पहली वीडियो में समझी थी। तो आज देखते हैं कि जो इसके टाइप्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है तो वो कितने टाइप के वहाँ पर होते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो मुख्य ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं वो उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उनके मोड के आधार पे कि वो कितने मोड्स होते हैं। जैसे एक तरीके से होता है यहाँ पर सिंगल मोड है, मल्टी मोड है, तो सिंगल मोड और मल्टी मोड के हिसाब से भी उनको बांटा जा सकता है। मोड का मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कोर होती है, जो कोर होती है उसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो किस प्रकार करता है, इसको बोलते हैं हम कि सिंगल मोड। केवल एक ही तरीका है सिग्नल को उसके अंदर से ट्रांसमिट करने का। दूसरा है ये, इसको बोलते हैं मल्टी मोड। ये भी मल्टी मोड है, इसमें अलग अलग जो बहुत सारे सिग्नल्स हैं वो अलग अलग तरीके से उसमें ट्रैवल करते हैं। तो इस आधार पे भी ऑप्टिकल फाइबर को बांटा जा सकता है। तो उस आधार पे दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंगल मोड और एक मल्टी मोड। दूसरा, जो कोर और क्लैडिंग के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन के आधार पे भी हम ऑप्टिकल फाइबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है एक तो स्टेप इंडेक्स और एक होता है यहाँ पर ग्रेडिड इंडेक्स। तो दो तरीके का यहाँ पर होता है, एक तो स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स मतलब जब यहाँ पर ये स्टेप के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बांटा गया है, ये ग्रेडिड इंडेक्स। तो स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, ग्रेडिड इंडेक्स में क्या होता है, वो भी हम समझने वाले हैं। स्टेप सिंगल मोड और मल्टी मोड क्या होता है वो भी हम समझने वाले हैं। तो इस आधार पे हमने तीन यहाँ पर कैटेगरीज की बनाई है, एक तो है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, तीसरा है मल्टी मोड ग्रेडिड इंडेक्स फाइबर। तो चलिए सबसे पहले वाले को समझ लेते हैं, जो सिंगल मोड है। एक मोड कैसा, सिंगल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, स्टेप इंडेक्स इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये स्टेप इंडेक्स का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कोर होती है, जो कोर है और जो क्लेडिंग है उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें जो चेंजेस होता है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, तो एक तो वो और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो म्यू टू यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लेडिंग का होता है। तो इनके बीच में एक शार्प बाउंड्री हो सके होती है। हम बता सकते हैं कि ये जो हमने दिखाया है वो रिफ्रैक्ट कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होगा वो म्यू1 है, और जो ये लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करके दिखाया है वो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ से यहाँ तक क्लेडिंग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है, इसमें बाउंड्री शार्प है। हम बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोर है और यहाँ से यहाँ तक उसमें क्लेडिंग है। तो इसको बोलते हैं स्टेप इंडेक्स, जिसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन हो, हम बता सकते हो। तो ये तो हुआ इसका स्टेप इंडेक्स। मोनो सिंगल मोड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो एक ही तरीके से सिग्नल ट्रैवल यहाँ पर करता है। और इसकी क्या खासियत होती है उसको हम देख लेते हैं। और हमेशा हमें जो करना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का होता है वो क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जो μ1 है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन μ2। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये तीनों ही केस में यहाँ पर होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सिंगल मोड है क्योंकि एक ही तरीके से इसमें जा रही है सिग्नल, एक ही तरीके से ट्रैवल करता है, और स्टेप इंडेक्स है, हमें कोर और क्लेडिंग के बारे में शार्प बाउंड्री पता है कि कहाँ से कहाँ तक क्लेडिंग शुरू होना है और कहाँ से कहाँ तक ये कोर है। तो इसमें और क्या होता है, इसका जो कोर का जो डायमीटर होता है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत छोटा डायमीटर इसमें हम कोर का लिया जाता है। यहाँ पर ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाया है ये कोर है, और जो इसका डायमीटर लिया जाता है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर के होता है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यहाँ पर ये छोटा डायमीटर होता है वो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का ही लेते हैं। दूसरी इसमें क्या खासियत है, जो क्लेडिंग का होता है वो 1.25 माइक्रोमीटर का होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जब अगर हम ये क्वेश्चन जो आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पता होने चाहिए, जो इसके मेन पॉइंट हैं ये मेन पॉइंट हमें उसमें ज़रूर देने हैं, बाकी तो थ्योरी और डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है।
जो इसमें हमें सिग्नल दिखाना है वो बिल्कुल सही बनाना है, और जो इसके मेन पॉइंट है वो उसको लिख देना है। ज़्यादा इधर उधर की थ्योरी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाना होता है, कि उसमें हर चीज़ दिखानी होती है और देखना होता है कि इसके जो मेन पॉइंट है वो क्या है। तो चलिए अभी अभी हम इसमें और बचा हुआ है, तो क्लैडिंग का होता है इसमें 125 माइक्रोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो क्लैडिंग होती है ये वाली, इसका जो डायमीटर होता है वो 125 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। और क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो होता है ये लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए होता है, टीवी सिग्नल, टेलीफोन सिग्नल, बहुत दूर दूर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर ये यूज़ में आता है। और फैब्रिकेशन डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, और इसका जो फैब्रिकेशन होता है, जो इसके बनाने में होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। साथ ही हम देखते हैं कि हाई बैंडविड्थ और नो डिस्पर्सन इसमें मिलता है। हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ का मतलब है एक साथ ये बहुत सारे सिग्नल को ट्रैवल करा सकता है, इसकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है। और नो डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा आउटपुट में सिग्नल मिलेगा उसमें कोई डिस्पर्सन नहीं होगा। जैसे प्रिज्म पे कोई लाइट डलती है तो वो सेवन क्लास में ब्रेक हो जाती है, तो एक बड़ा स्पॉट ना मिलके एक सिग्नल हमें जिसमें अच्छा मिलता है, कोई डिस्पर्सन उसमें नहीं होता है, लॉस बहुत कम होता है। तो ये हुआ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के बारे में। तो क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देना, ज़्यादा डिटेल में हमारे पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी जानकारी हमें लेनी है, बाकी तो इसकी और डिटेल बहुत सारी हैं, तो वो आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आता है, लेकिन पॉलिटेक्निक के अंदर ये केवल हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो दूसरा आता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड का क्या मतलब हुआ, कि जब कोर के अंदर जो सिग्नल है वो कुछ ऐसे चल रहे हैं कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो हमने जो डॉटेड लाइन को दिखाए हैं इसमें एक तो हमने डार्क लाइन दिखाई है, ये हो सकता है कि कोई सिग्नल है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा वन है, और हमने डॉटेड जो दिखाया है यहाँ पर ये लैम्डा टू है, ये हो सकता है कि कोई दूसरी यहाँ पर सिग्नल है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा टू है, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल चलते हैं वो लाइट की फॉर्म में चलते हैं, और जब लाइट की फॉर्म में चलेंगे तो वहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ उसमें हो सकती है, तो ये अलग अलग तरीके से चलेंगे, तो इसको क्योंकि एक ही तरीका नहीं है, अलग अलग तरीका है, इसीलिए मल्टी मोड इसको बोल देते हैं। अब आता है स्टेप इंडेक्स, इसी में भी तो स्टेप इंडेक्स का मतलब क्या, इसी के अंदर भी कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर कहाँ से कहाँ तक है और क्लेडिंग कहाँ से कहाँ तक है वो शार्प बाउंड्रीज में है, तो इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स बोला है यहाँ पर। तो और इसकी खासियत क्या होती है उसको देख लेते हैं, जो इसका कोर डायमीटर रखा जाता है वो लगभग 62 माइक्रोमीटर का होता है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और जो क्लेडिंग का होता है 125 से 400 माइक्रोमीटर तक इसमें रख सकते हैं। और यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए, ये छोटे छोटे डिस्टेंसेज के लिए ऑफिस पर्पज़ में छोटे जो अभी नेटवर्किंग है वहाँ पर ये ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर। ये हाई डिस्पर्सन, इसमें कंपेरेटिवली डिस्पर्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिग्नल थोड़ा पहले पहुँचेगा वो सिग्नल थोड़ा बाद में पहुँचेगा, तो एक हमें जो डिस्टॉर्शन सिग्नल के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही देखते हैं कि इसकी लो बैंडविड्थ है, इतने सिग्नल एक साथ ट्रैवल इसमें नहीं कर सकते हैं जितना हम ऊपर वाले में कर सकते थे। एंड लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट फैब्रिकेशन में थोड़ा सा कम आती है, इजीली फैब्रिकेट है और इसको आसानी से बनाया भी जा सकता है, तो ये खासियत है इसकी। और कहाँ यूज़ होता है वो हमने डिस्कस किया। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो होता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स का यहाँ पर क्या, ग्रेडेड इंडेक्स से यहाँ पर क्या मतलब है, मल्टी मोड तो वही हो गया कि इसी तरह से ही एक से ज़्यादा तरीके से इसमें सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रेडेड इंडेक्स है उसका क्या मतलब है। ग्रेडेड इंडेक्स का यहाँ पर यह मतलब है कि आप इसमें ये नहीं बता पाएंगे यहाँ पर कि कोर कहाँ से कहाँ तक है और क्लेडिंग कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि जो उसकी बाउंड्री होती है वो शार्प नहीं होती है, यहीं पर जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बाहर की तरफ को। सेंटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, और जैसे सेंटर से बाहर की तरफ को चलते चले जाएंगे ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा, यानी कि शार्प बाउंड्री यहाँ पर नहीं होती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके का वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो ये है ग्रेडिंग का मतलब, ये है कि जब हम कोर और क्लैडिंग में शार्प बाउंड्री ना रखें बल्कि उसको क्या करें ग्रेजुअली डिक्रीज करते चले, तो उसको ग्रेडेड इंडेक्स बोलते हैं। और मल्टी मोड है क्योंकि ये कई तरीके से सिग्नल इसमें ट्रैवल कर रहा है। इसकी कुछ खासियत क्या है, यहाँ पर हमने बता दिया कि जो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेरिएबल होता है, जहाँ तक उसके बाद ये क्लेडिंग शुरू हो जाता है, लेकिन एक जगह तक हम उसको वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर रखते हैं। तो इसमें जो कोर डायमीटर होता है इट इज़ अराउंड 100 माइक्रोमीटर रखते हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही होता है, और क्लेडिंग का 125 और 40 माइक्रोमीटर के लिए यहाँ पर होता है। तो ये इसमें कुछ खासियत है। और यहाँ पर जो इसके अंदर मटेरियल हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो भी मटेरियल इसमें यूज़ करेंगे, तो वो मटेरियल देखते हैं कि
ऑप्टिकल फाइबर को ग्लास, एक सिली का ग्लास भी होता है और प्लास्टिक भी होता है। जो प्लास्टिक के फाइबर होते हैं वो इतने कॉस्टली नहीं होते और थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो ग्लास, सिली का ग्लास का जो फाइबर बने होते हैं तो उसके थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, और इसकी एप्लीकेशंस तो आज के करंट टाइम में भरमार है। ये जितने भी हमारे नेटवर्किंग हैं, वॉर वाले हैं, वॉर हैं, या जितने भी डेकोरेशंस में भी वो काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर के वहाँ पर काम आती है। और साथ ही देखा जाता है कि मेडिकल फील्ड में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। जब बॉडी का अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा वहाँ पर देखते हैं मेडिकल, उसमें या कोई ट्रीटमेंट करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं, तो अंदर थोड़ा सा प्रकाश की हमें ज़रूरत होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर इतना फाइन वायर होता है कि उसको बॉडी के अंदर जहाँ पर हमें सर्जरी करनी होती है या कोई बॉडी के ऑपरेशन करना होता है, तो वहाँ पर प्रकाश अगर हमें पहुँचाना है तो वो ऑप्टिकल फाइबर वायर की वजह से ही वहाँ पर प्रकाश पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि इसमें अगर हम वायर को मोड़ भी दें तो भी हमारा जो लाइट की इंटेंसिटी वो कम नहीं होती, वो वहाँ पर पूरी तरह से लाइट अंदर पहुँच जाती है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ है। तो ये था एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि कितने टाइप के बारे में होते होता है। तो आगे ये इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में कुछ और चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।